मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा के बाद से जारी कर्फ्यू में ढील का समय बदला गया है। सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील के समय को शुक्रवार के लिए बदला गया है। इस दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक महिला पुरुष दोनों को बिना वाहनों के कर्फ्यू में छूट दी गई। खरगोन शहर में 29 अप्रैल शुक्रवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक महिला पुरुष दोनों को बिना वाहनों के कर्फ्यू में छूट दी गई। इस संबंध में अपर कलेक्टर SS मुजालदा ने आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार सभी सेवाओं के साथ बैंक व पोस्ट ऑफिस भी खोले जा सकेंगे। वहीं बसों के आवागमन और कृषि मंडी में आने वाले वाहनों को भी छूट दी गई। अलावा अन्य वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। जारी आदेश में ये छूट धारदार हथियार जैसे चाकू, छुरी, हसिया, दराती, फालिया की दुकानों, धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप और केरोसिन पर लागू नहीं होगी। IPS अधिकारी अंकित जायसवाल ने बताया कि खरगोन में स्थिति फिलहाल पूरी तरह सामान्य है। उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर खरगोन जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रखा गया है। चूंकि धार्मिक स्थल सभी तरीके से बंद रहेंगे और उसी के लिए हम लोगों ने एक फ्लैग मार्च भी अभी निकाला है संवेदनशील इलाकों से, जिसमें इन लोगों को मैसेज दिया है कि सब अपने घरों में रहते हुए ये तो अपना जो त्यौहार मनाए, कोई भी बाहर नहीं निकले और कोई भी धार्मिक स्थल नहीं जाए। उसके लिए भी यही स्टैंड रहेगा कि धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और जो नमाज है सब अपने घरों से करें। बल अभी कुछ आया है और आगे ईद के टाइम पे अभी और बल आएगा, जिसमें फिर हम लोग अपने जो पिकेट्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे और जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनके हम लोग निगरानी में रखेंगे। अभी 74 प्रकरण दर्ज हैं टोटल और 177 की अरेस्टिंग है। अभी हमारी टीमें रवाना हैं, आज हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी।